धर्म में ऋषि पंचमी का दिन एक शुभ त्योहार माना गया है। ये दिन हमारे पौराणिक ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज इस सात ऋषियों के पूजन के लिए खास माना गया है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। इस बार शनिवार यानी 11 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस दिन चारों वर्ण की स्त्रियों को ये व्रत करना चाहिए। सभी महिलाओं तथा पुरुषों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये व्रत जाने अनजाने में हुए पापों के पशालन के लिए बहुत महत्व का माना गया है। यही नहीं बल्कि इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि ऋषि सप्तमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित किए गए पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रज सबला दोष लगता है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियां रज सबला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसीलिए इस व्रत को स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस त्योहार को हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। इस दिन की पूजा विधि बताया गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर पवित्र होकर सप्त ऋषियों यानी ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गणव, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक का ध्यान कर सात ऋषि मुनियों का आहन कर बुलाना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, अक्षत, चंदन, मिष्ठान, धूप, दीप आदि अर्पित कर पूजा करनी चाहिए। फिर अर्घ देकर कथा श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जागरण और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। विधि विधान के अनुसार व्रत पूर्ण करने से तीर्थ भ्रमण का पुण्य, सुख सौभाग्य, पुत्र पोत्र का सुख प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी का उपवास रखने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है और जीवन में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।